गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं साथी आज आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ और आज है अष्टमी, तो मैं अष्टमी का पूजन करने जा रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ ये वीडियो क्लिप। तो अभी मैंने सारा खाना बना लिया है और यूँ से अभी आपको मिलवाती हूँ। और अभी मैंने देखो खाने में क्या क्या बनाया। अभी पहले मेरे ठाकुर जी खा रहे हैं, फिर उसके बाद मैं कन्या पूजन करूँगी। कन्या है मेरे पास, तो बस अभी मैं वही करने जा रही हूँ। ये बैठे मेरे ठाकुर जी और आज मैंने खाने में ये सब बनाया जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो अभी पहले ठाकुर जी खाएंगे, फिर उसके बाद मैं कन्या पूजन करूंगी। सो गाइस अब ना मेरा कन्या पूजन हो गया है, तो फिर हमने प्लान किया कि हमें ना थोड़ा सा मार्केट में काम भी है, हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है और कुछ बैंक का काम है। वो हम ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग यहाँ का जो मॉल है वो जाएंगे, क्योंकि अनिल को वहाँ से लेने हैं शूज़। और वो लेने के बाद और हमें पीहू के लिए कुछ कपड़े भी ख़रीदने हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी आने वाली है, उसके पास गर्मी के लिए कपड़े नहीं है, तो हमें वो लेने हैं। और उसके बाद हम लोग बेबी कार सीट भी लेने वाले हैं, क्योंकि हमें कहीं भी ट्रैवल करना होता है तो वो मस्ट ही है, तो वो हमें लेनी ही पड़ेगी। तो हम वो भी ट्राई करेंगे, अगर हमें ठीक मिल गई तो हम वो भी लेंगे। सो चलो फटाफट हम शॉपिंग करते हैं। पीहू ये जा रही है, हमारी पीहू हाथ रही है। सो यहाँ पे हमें एक कपड़े, तो मैं शॉपिंग कर चुकी थी गाइस, मैंने कपड़े आपको दिखाए नहीं, मैं आने वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ना हमें एक ये सीट पसंद आ गई थी, तो हम इसका फंक्शन देख रहे थे, लेकिन जो ये लड़का शॉप पे बैठा था ना, इसको इसके फंक्शन समझ में नहीं आ रहे थे। तो फिर हमने बस खाली देखी, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट टाइम ही हम ले पाएंगे, अभी हमने ली नहीं। बस ये कि हमने देख लिया कैसे कैसे ये कार में लगनी है, तो वो सब हम लोग ले के सीधा फिर हम लोग घर आ गए। और हाँ, आपको एक अच्छी बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अभी जैसा आप आगे आगे आप ब्लॉग में देखेंगे, तो जब हम लोग ना अनिल के लिए शूज़ ले रहे थे, तो वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे ना एक लड़का हमें, उसने खुद पहचान लिया, उसे लगा कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, तो वो खुद ही बोला, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हो। तो ये लड़का ना, मतलब इसने खुद पहचाना, खुद बोला, ही हिंदी में बात करने लग गया, हमें बड़ा अच्छा सा लगा। और ये पाकिस्तान से था, इसने हमें इतने अच्छे से ट्रीट करा, उसने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत सारी शॉप्स बताई जो हमें पता नहीं थी। तो हमें इतना अच्छा लगा मिलके, और बहुत ही अच्छा लड़का था, इसने हमें अपना नंबर भी दिया और बोला कोई भी प्रॉब्लम हो आपको स्विट्ज़रलैंड में तो मुझे कांटेक्ट करना। गाइस अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, ऐसे घूम फिर के थोड़ा थक हो के, बहुत थक गए हैं, 2-3 घंटे से घूम रहे हैं। सो गाइस बाय बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।